गाइस मैंने चीज़ें ले ली, अब हम घर जाएंगे और पास्ता बनाएंगे। अकेले अकेले जूस पी रहे हो ना? और भाई के लिए नहीं लिया? किसके बेटे हो? किसके बेटे हो जल्दी बताओ, किसके बेटे हो? तुझा जूस किसने लेके दिया? मैंने तो नहीं लेके दिया। गाइस मैंने ये ले लिया है चिकन, ये तकरीबन हाफ के जी है। ओके अब इसमें हम ऐड करेंगे सोया सॉस 2 स्पून। ठीक है, अब इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून चिली सॉस। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सिक्का। गाइस अब मैंने ये चिकन को फ्राई कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद मैं वाइट सॉस बनाऊंगी और इसके अंदर फिर ऐड करूंगी। इसका पानी ड्राई हो जाएगा फिर मैं इस चिकन को निकाल लूँगी, तो फिर हम इसकी वाइट सॉस बनाएंगे। माय यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सुपर मॉम ट्राइब में आप लोगों का वेलकम है। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, बार बार कहती हूँ। और दूसरे आज हम बना रहे हैं कुछ मज़े का। सो आज हम लोग सभी साथ जाते हैं सामान लेने के लिए, और फिर उसके साथ साथ फिर हम लोग आपके साथ बाकी डिटेल भी शेयर करेंगे। कैश निकालने हैं, कैश आ गए हैं और मुझे पास्ता लेना है। अब हम पास्ता ढूंढते हैं, तो फिर कुछ करते हैं। अब फ्रेडो पास्ता चाहिए हमें, बट आई कांट सी एनीवेयर। और भाई यहाँ तो मुझे अल्फ्रेडो पास्ता नहीं मिल रहा। अच्छा मैं लेके देती हूँ, चुप करो। गाइस मैंने चीज़ें ले ली, अब हम घर जाएंगे और पास्ता बनाएंगे। अकेले अकेले जूस पी रहे हो ना? और भाई के लिए नहीं लिया? किसके बेटे हो? किसके बेटे जल्दी बताओ, किसके बेटे हो? तुझा जूस किसने लेके दिया? मैंने तो नहीं लेके दिया, बाबा ने लेके दिया। बाबा बेटे किसके हो? किसके बेटे हो? किसके बेटे बताओ, अरे हाँ बताओ किसके बेटे हो? बाबा का। नीना की नहीं हो? नीना के नहीं हो? नहीं हो ना? आए मैंगी हम यहाँ पे मोमोज लेने आए थे, और हम मोमोज ले रहे हैं। मैं पास्ता ले आई थी, अब हम चिकन को मैरिनेट करते हैं और पास्ता को बॉईल करने के लिए रखते हैं, और फिर मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। चलिए गाइस मैंने ये चीज़ ले ली थी, कोई 200 ग्राम्स की है चेडर चीज़। अब मैं इसको श्रेड कर रही हूँ, उसके बाद हम इसको उसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, जो हम सॉस बनाएंगे, तो अब मैं इसको सारे श्रेड करके तो फिर चिकन की तरफ आती हूँ। मैंने इसको श्रेड कर लिया है, अब इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ ताकि मर्च ना हो।
और सॉस टाइम हम उसको बाहर निकाल लेंगे। चलें जी गाइस, हमारे घर में गैस चली गई थी क्योंकि मैं लेट हो गई थी सामान लाते लाते, और अब हम सिलेंडर पे हमने जो पास्ता है उसको बॉईल करने के लिए रख दिया। अब हम चिकन को मैरिनेट करते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जी गाइस, हमने एक ब्रेस्ट ली थी जिसको हमने उसको उतार लिया, और उसकी अब हमने स्ट्रिप्स में इसको कट करेंगे। और भाभी ने इतनी अच्छी तरह से उतारा है कि आप देख सकते हैं, मुझे लग रहा है पिछले जन्म में भाभी मुर्गी वाली थी। वेरी फनी। पिछले जन्म तो इंडियन लोगों के होते हैं, शादी से पहले भाभी मुर्गी वाली। सीरियसली। तो अब हम इसको मैरिनेट करते हैं और मैं इसका भी प्रोसेस आपके साथ शेयर करती हूँ। गाइस, मैंने ये ले लिया है चिकन, ये तकरीबन हाफ के जी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे सोया सॉस 2 स्पून। अब इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून चिली सॉस। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सिरका। थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें गार्लिक पाउडर। अब हम इसको फ्राई करेंगे, हमारा पास्ता बॉईल हो रहा है, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे क्योंकि हमारी गैस नहीं आ रही है। चलिए गाइस, इसमें मैं सॉल्ट डालनी भूल गई। वो भी आप अपनी अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल। गाइस, अब मैंने ये चिकन को फ्राई कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं वाइट सॉस बनाऊँगी और इसके अंदर से ऐड करूँगी, इसका पानी ड्राई हो जाएगा फिर मैं इस चिकन को निकाल लूँगी, तो फिर हम इसकी वाइट सॉस बनाएंगे। बटर ऐड किया, सॉल्टेड बटर ऐड किया हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, और इसके बाद मैं इसके अंदर लहसुन डालूँगी चॉप्ड, ये मेल्ट हो जाएगा। तो अभी हमारा जो बटर है वो मेल्ट हो गया, अब इसमें मैं चॉप लहसुन डाल रही हूँ, ठीक है। और हम इसको थोड़ा सा मैं खा रही हूँ, हम इसमें ऑलमोस्ट टू पैक थीम के डालेंगे क्योंकि मेरा जो पास्ता है वो ज़्यादा है, फिर मैं 1 पैक डाला है, ठीक है। अभी फिर हमें पैक भी डाल दी, मेक श्योर कि आप इसको पूरा खाली करें। चलें जी गाइस, इसमें मैंने 2 पैक्स ऑफ क्रीम डाल दी है, अब इसके अंदर मैं मिल्क ऐड करूँगी, ठीक है। तो मिल्क ऐड करूँ, इसमें मैं 3 कप्स ऑफ मिल्क डाल रही हूँ,
अगर मुझे लगेगा थोड़ी और की ज़रूरत है तो फिर मैं और डालूँगी, लेकिन अभी हम उसको पकाते हैं। अभी हम इसके अंदर ब्लैक पेपर डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून, तो इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड करेंगे, व्हाइट पेपर ऐड करेंगे 1 स्पून, चलिए गाइस अब ये आप देख रहे हैं सॉस हो गई है ठीक। अब हम इसमें चीज़ डालेंगे जो मैंने चीज़ की थी ग्राइंडेड, मैंने चैटर चीज डाली है। अब मैं 1 स्लाइस इसके अंदर मोज़रेला भी डालूंगी, चिकन ऐड करूंगी और हम इसको डिश आउट करते हैं। ग्रोसरी में मैं ऑलिव्स लाना भूल गई थी, आप चाहें तो इसमें ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं, मशरूम्स भी ऐड कर सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा नज़दीक के। क्योंकि जो बाकी की चीज़ थी बची थी थोड़ी सी, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। गाइस ये मेरे पास्ते की फाइनल लुक है और इट
लुक सो डिलीशियस। आप भी रेसिपी ट्राई कीजिएगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टाटा।